So, hi, hello, namaste, guys. Welcome back in my channel with Be Perfect with Nisha. And hi, I am Nisha here. So, hope all are you fine as well as healthy. तो ये मेकअप लुक आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं हेयर फॉल्स के बारे में. लाइक बहुत सारे रीजन मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि किस किस टाइप से हेयर फॉल होते हैं, क्यों होते हैं, किस रीजन से होते हैं. तो मेरे हेयर केयर जो वीडियोस के प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दिया है, उसमें आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा. मैं आई बटन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो वहाँ से जरूर चेकआउट करिएगा. तो आपको रीजन्स ने क्यों होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आपको वहाँ से मिल जाएंगे. तो यहाँ पे जो मैंने ऑयल के बारे में बताया था ना, तो उसका नाम है जोरन ऑयल. तो उस ऑयल के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बाल लंबे होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, नहीं. तो उसके भी मतलब कुछ टाइप के बालों को सूटेबल नहीं है और कुछ के हैं. तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो 50 मतलब है, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं. सो ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब कुछ को सूटेबल नहीं है. ओके, तो अभी ऐसा क्या है जो हर टाइप के हेयर को या स्किन को बहुत ही सूटेबल हो एंड बाल मतलब हेयर फॉल्स ना हो एंड हेयर मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी हो, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग आज बात कर लेते हैं ममा अर्थ के बारे में. जो ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली हर स्किन टाइप के लिए और हर मतलब हेयर टाइप के लिए, सबके लिए होता है. सो इसमें कोई डरने की जैसी चीज नहीं है कि हम लोग ये यूज कर सकते हैं नहीं, कि ये यूज कर सकते हैं नहीं, या हमारे बालों को ये सूटेबल है कि नहीं. तो ये जो ममा की मैं रिव्यू देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मेरे पास पार्सल आया है, एंड उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. हर हेयर टाइप के लिए ये है. सो और इसमें कोई डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि वो टाइमर कॉन्शियस टेस्टेड होता है हर प्रोडक्ट उसका, एंड कोई भी केमिकल नहीं होता है. ये सबके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम जो ऑयल या शैम्पू या कुछ हम यूज करते हैं तो उसके अंदर केमिकल रहने के चांसेस है, जो हेयर को बहुत ही स्मूथ लुकिंग और गॉर्जियस बना देता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो आपके बालों पे एक डैमेज छोड़ देता है जो बहुत बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. सो विदाउट एनी लेट लेट्स गेट स्टार्टेड और देख लेते हैं रिव्यू. ओके, देन अगर सब रिव्यू देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लुक इस वीडियो के बाद में आ जाएगा. थैंक यू सो मच, लेट्स सी द रिव्यू. सो हियर इज द ममा अर्थ के दो प्रोडक्ट है मेरे पास, जिसमें आर्गन शैम्पू है और कस्टर्ड ऑयल है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्गन शैम्पू के बारे में. तो ये आर्गन शैम्पू है जो एप्पल साइडर विनेगर से बना है कुछ, एंड यहाँ पे देख सकते हो फ्रिज फ्री एंड स्ट्रॉन्गर हेयर को आपको बनाता है आपके हेयर को. ये डायग्नोस्टिकली टेस्टेड है फॉर ऑल स्किन टाइप है, नो मिनरल, नो सिलिकॉन, कुछ भी नहीं है इसमें, और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है हेयर के लिए. तो यहाँ पे इनकी मेन मेरे को क्या अच्छा लगा पता है, जो जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना उससे ज़्यादा ये रिसाइकल करते हैं. तो यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो, और अगर डिस्काउंट में चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करेगा, आपको डिस्प्ले पे भी दे दूँगी एंड यहाँ पे कमेंट्स में भी मैं दे दूँगी, जिससे 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा. पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस टाइप की आपको पैकेजिंग मिल जाती है, एंड एक पंप बॉटल में आपको मिल जाता है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सो यस, प्लीज़ गो फॉर इट. एंड नाउ बात कर लेते हैं कस्टर्ड ऑयल के बारे में. ये 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जो फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स के बारे में बहुत अच्छा वर्क करेगा. एंड इसमें भी सेम आप बोल सकते हो, हर स्किन नेचुरल है, सभी यूज़ कर सकते हैं. मिनरल ऑयल एंड SPF ने सिलिकॉन फ्री आपको मिल जाएगा यहाँ पे. एंड ये सारे जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो टेस्टेड होते हैं और नेचुरली होते हैं. सो यस, यहाँ पे भी आपको प्राइस देख सकते हो, एंड इस पे सब पे जो डिस्काउंट कोड में आपको मैं दे दूँगी, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो गो फॉर इट, एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो.